नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। देश के महामहिम पीएम मोदी ने 23 सितंबर 2018 को देश भर में आयुष्मान योजना को लागू किया था, जिसके बल पर मौजूदा सरकार ने यह दावा किया था कि अब हर मरीज, हर गरीब को इलाज मुफ्त में मिलेगा। सरकार किसी की भी हो, हर कोई यही कहता रहता है कि हमने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बना दिया है, हर गरीब को इलाज मुफ्त में देंगे। खैर, ये सब तो वादे हैं और नेता हर रोज जनता से ये नए वादे करते ही रहते हैं। चलिए, ये तो हो गई आलोचना, अब ले चलती हूं आपको कुछ ऐसी हकीकत से रूबरू करवाने जिसको जानने के बाद शायद आप सभी के होश उड़ जाएंगे। डरिए नहीं, नोटबंदी नहीं होने जा रही है, ना ही कहीं से कुछ खत्म किया जा रहा है। मैं रूबरू करवाऊंगी आपको इस वक्त देश में डॉक्टरों की कमी को लेकर कितनी सच्चाई है इससे। क्या आपको पता है कि 1 अरब से अधिक आबादी, डॉक्टरों की कमी और बदलती जीवन शैली, ये त्रिकोण है और इससे जुड़े प्रदूषण, स्वच्छ पेयजल का अभाव जैसे कारकों के चलते देश में कैंसर, मधुमेह और उच्च रक्तचाप के मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक देश में डॉक्टरों का आकार है। जी हां, पूरे देश की आबादी के अनुपात में देखा जाए तो एक डॉक्टर पर 11,082 लोगों के इलाज की जिम्मेदारी होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के मुताबिक प्रति 1,000 व्यक्ति पर एक डॉक्टर का अनुपात होना चाहिए ताकि मरीज का सही से इलाज हो सके। यानी WHO के मानक के हिसाब से हिंदुस्तान में मरीज और डॉक्टरों के अनुपात 11 गुना कम है। कुल मिलाकर डॉक्टरों की संख्या में भारी कमी है। बिहार की हालत तो और भी ज्यादा चिंताजनक है। यहाँ पर प्रति 28,391 लोगों पर डॉक्टरों का अनुपात 1 है। हालांकि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेशों की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है और देश में सब कुछ ठीक हो गया है जैसा कि सरकार एक प्रोपेगेंडा फैला रही है। आए दिन हम आप टीवी में, अखबारों में सुनते हैं कि किसी को इलाज नहीं मिल रहा, तो कहीं डॉक्टर्स टाइम पर नहीं आ रहे, तो कहीं स्ट्रेचर की कमी है। अरे ये सब छोड़िए, यहाँ इलाज करने वाले डॉक्टर ही नहीं है, बाकी तो दूर की बात है कि स्ट्रेचर नहीं है। ये सब बातें तो बाद में आती हैं, पहले डॉक्टरों की बात कर लेते हैं। डॉक्टरों की भारी कमी का फायदा दूर दराज के इलाकों में रहने वाले झोलाछाप डॉक्टर उठाते हैं। साल 2016 में WHO ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कहा गया था कि भारत में एलोपैथिक डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों में 1/3 ऐसे हैं जिनके पास लोगों का इलाज करने के लिए सही डिग्री भी नहीं है। बावजूद इसके वो लोग इलाज कर रहे हैं और लोगों की जिंदगियों के साथ खेलवाड़ भी कर रहे हैं। भारत स्वास्थ्य देखभाल गुणवत्ता के मामले में 195 देशों की सूची में 145वें स्थान पर है। विडंबना है कि आजादी के 7 दशक बाद भी हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं हो सका है। सरकारी अस्पतालों का तो भगवान ही मालिक है। ऐसे हालातों में निजी अस्पताल तो ऐसे खुल रहे हैं जैसे पान की गुमटियां। इन अस्पतालों का उद्देश्य लोगों की सेवा करना नहीं है, बल्कि सेवा की आड़ में मेवा अर्जित करना है। लूट के अड्डे बन चुके हैं। इन अस्पतालों में इलाज करवाना इतना महंगा है कि मरीज को अपना घर, जमीन व खेत गिरवी रखने के बाद भी बैंक से लोन लेने की तकलीफ उठानी पड़ती है। बाकी मैं एक बार फिर यही कहूंगी कि देश में सब कुछ ठीक है। जी हाँ, तो प्राइम टीवी की इस खास पेशकश में ये आपने जाना कि देश की स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है। जहां पीएम मोदी मेक इन इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया को लेकर भी बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। 4G 5G का जमाना आ गया है, कैशलेस इंडिया बनाने की मुहिम छेड़े हुए हैं, लेकिन इन सब में जब लोगों को मूलभूत सुविधाएं ही नहीं मिलेंगी तो क्या फायदा इन सारी चीजों का। खैर, ये सब सोचने की बात है और सरकार को भी इन सब चीजों पर सोच विचार कर लेना चाहिए। मैं फिर हाजिर होंगी ऐसी ही आंकड़ों के साथ, तब तक लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी इंडिया।